गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्तामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। पिछले जो लास्ट वीडियो में हमने जो बातचीत किया था कुछ टॉपिक के बारे में, उसके बाद कुछ और नए क्वेश्चंस जो कई स्टूडेंट लोग हम लोग को पूछते हैं, जिसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है व्हाट इज द MCI, व्हाट इज द FMG, व्हाट इज द नेक्स्ट। हम लोग अभी तो फिलहाल बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अगर मैं फॉरेन कंट्री के बारे में बात करूंगा तो काफ़ी सारे नए टॉपिक आएंगे जो हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। कोई भी कंट्री का, कोई भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो MCI एंड FMG, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हम लोग एग्जाम को बोलते हैं MCI एग्जाम, इट्स नॉट अ MCI एग्जाम। MCI इज अ बॉडी हु विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेशन फॉर योर MBBS। जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो बॉडी का नाम है NBE, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और वो जो एग्जाम कंडक्ट करती है उसका नाम है FMGE, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। सो एक शॉर्ट फॉर्म के लिए, या मालूम नहीं पहले से जो प्रमोट हुआ है उसकी वजह से पेरेंट्स के माइंड में एक चीज़ छप चुकी है, MCI एग्जाम। MCI एग्जाम नहीं बोल सकते इसको बोल सकते हैं FMGE। MCI में रजिस्ट्रेशन होने के लिए एग्जाम ज़रूरी है, सो इट्स कॉल्ड FMGE एग्जाम, जो लास्ट ईयर तक इम्प्लीमेंट थी, इवन इस साल भी ली गई है, लेकिन अब NMC बिल पास होने के बाद जो नया फॉर्म आ रहा है इट्स नेक्स्ट नीट एग्जिट एग्जाम। पहले क्या होता था लास्ट ईयर तक कि बच्चा वहाँ से फॉरेन से जो पढ़ाई करके आता था वो MCI का एग्ज़ाम देता था, दैट मीन्स कि FMGE का एग्ज़ाम। उसके बाद वो इंटर्नशिप करता था, इंटर्नशिप के बाद अगेन दूसरी एक एग्ज़ाम रहती थी नीट PG, वो अगर क्वालिफाइड होता था तो उसको PG के अंदर एडमिशन मिलता था, और जो FMGE का क्वालिफाइड कर लेता था उसको MBBS का लाइसेंस मिलता था, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता था अगर PG नहीं करना है तो। ये सिस्टम थी इंडियन बच्चों के लिए। क्या था कि इंडिया के अंदर MBBS करने के बाद उनको इंटर्नशिप करना था, उसके बाद नीट PG का एग्ज़ाम देना था। दिस इज़ द सिस्टम अप टू लास्ट ईयर। अभी NMC आने के बाद क्या हो चुका है कि एक कॉमन एग्ज़ाम हो चुकी है, एंट्री लेवल भी कॉमन हो चुका है, एग्जिट लेवल भी कॉमन हो चुका है। एंट्री एग्जिट का मीनिंग यही है कि बाहर जाने के लिए भी नीट कंपलसरी कर दिया, यहाँ के लिए भी नीट कंपलसरी है, मीन्स एंट्री गेट कॉमन हो चुका है। कई लोग बोल रहे हैं कि NMC अप्लाई नहीं होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब एंट्री गेट कॉमन कर दिया है तो एग्जिट भी कॉमन करना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी कॉमन कर दिया गया है, पार्लियामेंट में वो विधेयक पास हो चुका है। आगे थोड़े बहुत जो जो प्रश्न में चर्चा होगी उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लाना होगा, लाके उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा, मे बी इट विल फाइनलाइज विद इन अ 1 ईयर, तो उसको बोल देते हैं नीट एग्जिट एग्जाम। नीट एग्जिट में अक्सर क्या होगा कि जो दो एग्जाम देते थे बच्चे फॉरेन वाले, उनके लिए ईजी हो चुका है। MBBS के बच्चे जो लास्ट ईयर की एग्जाम इंडिया में देते हैं वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, वही एग्जाम में फॉरेन के बच्चे बैठेंगे और एग्जाम देंगे। इसका सिर्फ ड्रॉबैक एक होने जा रहा है जो शायद गवर्नमेंट इम्प्रूव कर सकती है। उसके अंदर दिक्कत ये आ रही है कि जो FMGE की एग्जाम थी साल में 2 दफ़ा ली जाती थी, लेकिन ये एग्जाम जो है नेक्स्ट की वो पूरे साल में 1 बार ही पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि फाइनल ईयर की स्टूडेंट की एग्जाम 1 बार भी आती है। मे बी शायद रिपीटर के लिए दूसरा प्रोविज़न होगा, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट एग्जाम, कि नीट एग्जिट एक बार क्वालिफाइड नहीं किया है जो बच्चों ने, उसके लिए सेकेंड ईयर से 6 महीने के बाद दूसरी एग्जाम गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरी चीज़ आती है कि व्हाट अबाउट द इंटर्नशिप। अगर बच्चा फॉरेन से पढ़ाई करके आ रहा है तो इंटर्नशिप कब करेगा? अगर बच्चा नीट PG क्वालिफाइड कर गया तो, मीन्स लास्ट ईयर की एग्ज़ाम है उसके बाद इंटर्नशिप करेगा, तो जो बच्चा क्वालिफाइड हो जाता है उसका शायद इंटर्नशिप का जो 1 साल है वो PG के ड्यूरेशन के अंदर क्लब कर दिया जाएगा। ये एक एजम्पशन है मेरा, चांसेस है कुछ रूल नए चेंज हो सकते हैं, नई कुछ शुरुआत हो रही है। देखो कई लोग बोल रहे गलत हो रहा है, कई बोल रहे सही हो रहा है। सी इट्स नॉट
थिंग ऑफ राइट और रॉन्ग, यू जस्ट हैव टू मेक योरसेल्फ पॉजिटिव। एग्जाम आपको देना ही है, आप पहले एफएमजी दे रहे थे, नीट पीजी दे रहे थे, उसके बाद नीट एग्जिट दे रहे हो। अगर आपको एग्जाम देने से डर लग रहा है, दैट मीन्स कि आपका प्रिपरेशन नहीं है, आपका प्रिपरेशन नहीं है तो फिर आपको दिक्कत होने ही वाली है। सो जो भी हो रहा है हमेशा याद रखो अच्छा हो रहा है, कोई चर्चा विचारणा में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। संवाद कीजिए, आप इंटरनली संवाद कीजिए, उसका कुछ अच्छा यूज़ कीजिए। विवाद में बैठने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ये किया वो गलत है, इसने ये किया गलत, ये गवर्नमेंट ने ये सही नहीं किया। सी, आप लोग गवर्नमेंट या कंट्री को चेंज नहीं कर सकते अकेले, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको एक चांस मिल रहा है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आ रहा है उसको रिस्पेक्ट करके उसको फॉलो कीजिए। कुछ गलत चीज़ें होगी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी कुछ हम चेंज उसमें ला नहीं सकते। सडनली चेंज इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये बात थी MCI और उसके बारे में। अभी दूसरा एक प्रश्न आता है पेरेंट्स लोग का सबसे ज़्यादा, गुजरात में तो अक्सर आता है, कि बच्चे को कैसा खाना परोसा जाएगा। एक्चुअली पेरेंट्स जब ये क्वेश्चन पूछते हैं ना कि भाई कितना खाना परोसा जाएगा, कैसा खाना दिया जाएगा, कितने टाइम दिया जाएगा, एकोमोडेशन किस टाइप का होगा, कितने बच्चे रहेंगे, नो डाउट एज ए पेरेंट्स आपका ड्यूटी है, आपको पूछना चाहिए। अगर इंडिया में होते तो आप खुद जाके देख के भी उसको बच्चे को प्लेस करते थे, लेकिन वहाँ पे पूछने की फर्ज आती है आपकी। लेकिन इसको प्रायोरिटी दे रहे वो गलत है, क्योंकि कई सारे कंसल्टेंट ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मिसगाइड कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। सी, फूड वहाँ पे इंडियन अवेलेबल होता है, लेकिन यू विल नॉट गेट द टेस्ट लाइक इंडिया। गरम मसाला वहाँ पे महंगा है, वहाँ पे मिर्ची नमक बहुत कम यूज़ होता है, तो कहाँ से आपको इंडिया वाला टेस्ट मिलेगा। तो मैं रिफ़र करूँगा, अगर बच्चा जा रहा है बाहर, मैस अवेलेबल है, लेकिन खुद को भी थोड़ा बहुत पकाना आना चाहिए। इन फ्यूचर टेस्ट चेंज करना है उसको खुद, तो वो खुद पका के खा भी सकता है। अगर दो लोग एक रूम में रह रहे, दूसरी रूम में भी दूसरे इंडियन लोग रह रहे, मिलजुल के भी खाना बना सकते हैं। हर एक के हाथ में अलग अलग कला होगी, कोई राजस्थानी होगा और राजस्थानी खिलाएगा, कोई पंजाबी खिलाएगा, कोई साउथ इंडियन खिलाएगा। अलग अलग खुद से ही टेस्ट कर लीजिए, कितना टाइम लगता है उसमें, आधे घंटे में सबका खाना ख़त्म हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेस में भी आप जाएंगे तो मेस कोई हॉस्टल के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, वो कहीं आसपास में होगी, वहाँ पे चल के जाएंगे आएंगे, टाइम तो उतना ही वेस्ट होना है। पेरेंट्स बोलते हैं उसमें टाइम खराब होगा, तो चल के जाते हो हाथ में किताब पकड़ के जाने वाले वो लोग, वहाँ पे भी उनको मेस तक जाना है आना है, बीच में कहीं पे और घूमने चले गए तो टाइम वेस्ट होने वाला है। बेटर है कि हॉस्टल के ऊपर खुद से सेल्फ कुकिंग करे, सस्ता भी पड़ेगा, करीबन 30-40% सेविंग रहेगा बच्चे के पैसे का, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जिनको पैसा सेव करना है उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। तो कभी भी फूड को प्रायोरिटी मत दीजिए, फूड अवेलेबल होता है। मॉल में जाएंगे तो इंडियन वेजिटेबल्स, इंडियन आइटम्स बहुत सारी, जैसे आप दाल ले लीजिए, मसूर की ले लीजिए, चने की, जो भी है वो हर एक चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है, ढूंढना पड़ता है आपको। वहाँ पे लेबल अलग होगा, लेकिन देख के तो पता चलता है ना, हम वो प्ले स्कूल वाले बच्चे तो है नहीं कि हमको बाजू में अक्षर लिख के दिखाना है और यहाँ पे वे भी दिखाना है तब पता चलेगा, वो गलत सोच है अपनी। तो बच्चे जानकारी रखते हैं उतनी, तो वो लोग ढूंढ के वहाँ से वो अरेंज कर सकते हैं, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर देम। और 6 साल गुजारना है, अगर खुद से नहीं आ रहा है तो सर्वाइव करने में दिक्कत होगा, क्योंकि मैथ्स वाला खुद के प्रॉफिट के लिए पकाएगा ना, वो हर रोज़ का एक का एक सब्जी खिलाएगा, बच्चा बोल भी नहीं पाएगा कुछ, उसके लिए बच्चा कभी आपको पेरेंट्स को कंप्लेन भी नहीं करेगा, क्योंकि वो अंदर अंदर मर रहा होगा कि साला ये तो हर रोज़ का एक का एक खाना मिल रहा है। तो ध्यान में रखिए, फूड को प्रायोरिटी मत दीजिए, ओके। उसके बाद दूसरी जो बात आती है बैंक लोन के बारे में, कई बार बैंक वाले कुछ लोग होते हैं MBBS के नाम पे खफा रहे थे, मालूम नहीं क्यों क्या हो रहा है उनको। कई पेरेंट्स को ऐसा बोलते हैं वो लोग कि भाई आपको लोन नहीं मिल पाएगा। मैं सिंपल सा एडवाइस देता हूँ, कोई भी बैंक में जाइए, जाते टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सारे एक साथ लेके जाइए। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपका एक एडमिशन लेटर लगेगा, आपका इन्विटेशन लगेगा, आपका वीज़ा लगेगा, आपका एयर टिकट का कॉपी लगेगा,
WHO की लिस्ट के अंदर जाके वो वेबसाइट का एक प्रिंट आउट निकाल देना है, MCA की वेबसाइट पे जाके वो MCA में अप्रूव्ड है उसका लेटर एक प्रिंट आउट निकालना है, और आपका बैंक स्टेटमेंट और आपका ITR जो भी है पेरेंट्स का वो आपको लेके जाना है, पेरेंट्स के पैन कार्ड लेके जाने हैं, इतनी चीज़ें आप लेके जाएंगे, बच्चे के साथ आपका जॉइंट अकाउंट एक रखना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें जब आप लेके जाएंगे बैंक में अगर सबमिट करेंगे, बैंक वाला अगर आपको कोई भी मना कर रहा है, एक ही वर्ड यूज़ करना है आपको, मैं हर बार हर एक पेरेंट्स को बोलता हूँ, बैंक वाले को इतना बोलना है, अगर आप मेरे को लोन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो ओके मत कीजिए, लेकिन लोन रिजेक्शन के लिए जो भी रीज़न है बैंक के लेटर पेड पे मेरे को लिख के दीजिए। वो मना कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर हर एक बैंक का अवेलेबल होता है, उससे मेल कीजिए, कॉल कीजिए, उनके पास से मेल मंगवाइए। कोई भी बैंक को हक नहीं है कि एजुकेशन लोन के लिए मनाही कर सके, गवर्नमेंट अपने लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरे प्रयत्न कर रही है, गवर्नमेंट को ये चीज़ें पता नहीं होती है जहाँ तक आप कंप्लेंट रेज नहीं करेंगे। कोई भी बैंक वाला मना कर रहा है आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बैंक वालों को जो अभी भाग रहे पैसे लेके उनको पैसे देने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं कि एजुकेशन वालों को देने में। तो बैंक वालों को कभी भी आप लोन के लिए कोई भी मना कर रहा है, कोई भी बैंक वाला, कई सारे बैंक वाले करते हैं, उस टाइम पे सीधा बात कीजिए कि सर हमको लेटर पेड के ऊपर आप लिख के दीजिए, नीचे साइन स्टैम्प आपका होना चाहिए और रीज़न क्या है लोन नहीं देने के लिए, दैट्स इट। वो कभी भी आपको मना नहीं कर पाएगा। दूसरी बात आती है पेरेंट्स की विजिट के बारे में, अगर पेरेंट्स फॉरेन में जाना चाहते हैं तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल है। अगर चाइना में पेरेंट्स को जाना है, विजिटर वीज़ा इजीली अवेलेबल है, 7,500 से 8,000 रुपया खर्चा होता है, इमरजेंसी में निकाल रहे हो तो 14,000 के आसपास खर्चा होता है, कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। बेस्ड ऑन द वीज़ा उस टाइम पे आपका बैंक बैलेंस 1.5 लाख रुपये के आसपास होना चाहिए, वो स्टेटमेंट आपको रखना है और आपका पासपोर्ट रखना है, आपका वीज़ा लग जाता है। विजिटर चाइना में इजीली अवेलेबल है। यूक्रेन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी अगर हम लोग देखो, टूरिस्ट वीज़ा तो हर एक कंट्री का आप निकाल सकते हो, वहाँ का होटल बुकिंग वगैरह दिखा के आप तुरंत ही वीज़ा कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ती है अगर वो खर्चा नहीं करना है तो यूनिवर्सिटी की ओर से भी हम लोग इन्विटेशन मंगवा सकते हैं कि पेरेंट्स के नाम से इन्विटेशन हम लोग मंगवा देंगे और पेरेंट्स वो इन्विटेशन के बिहाफ में वहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर देंगे। अलग अलग कंट्री का वीज़ा फीस अलग अलग रहता है टूरिस्ट के लिए, वो आपको उसकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, तो उसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन शायद पेरेंट्स लोग के हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम लोग ट्राई करेंगे एक एक क्वेश्चन को हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। आपका कोई भी नया क्वेश्चन हो हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हो, हमारी वेबसाइट पर जाके चैट में भी दे सकते हो, पर्सनली हमको कॉल करके भी पूछ सकते हो, हम आपका क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो बना के वो रखने के लिए प्रयत्न करेंगे और विद द एविडेंस। सो कभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, कोई भी कंपनी से आपने एडमिशन लिया हो, इट्स नॉट अवर लुकआउट, वी जस्ट ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप हमारे नागरिक है, हमारे इंडिया के देश के नागरिक है, व्यक्ति है, उसके लिए हमारी फ़र्ज होती है हम आपको मदद करें। किसी के थ्रू भी एडमिशन लिया हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसके अगेंस्ट क्या काम कर सकते हो आप, आपको कुछ भी पूछताछ करनी हो, नीचे दिया गया मेरा नंबर है 7227448। हमारा वेबसाइट जो है www.softamo.org। ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हो info@softamo.org। तो जो भी है डाउट है क्लियर कीजिए, समाधान लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।